हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती का 1.5 लेसन जॉन ऑफ आर्क। हम यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क लेसन ड्रामा के फॉर्म में देखने वाले हैं जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। ये लेसन डायलॉग के फॉर्म में है जैसे ड्रामाज में होता है। तो जॉन ऑफ आर्क सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जो 15th सेंचुरी में फ्रांस में हो चुकी है। क्योंकि ये स्टोरी फ्रांस में हुई थी इसलिए इसमें आने वाले कुछ वर्ड्स जो है उनका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच लैंग्वेज में है। जॉन ऑफ आर्क का फ्रेंच नेम या फिर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है जान दी आर्क। यहाँ पर आर्क जो है वो जॉन का सरनेम है। तो आइए देखते हैं जॉन कौन थी और क्या है जॉन की रियल स्टोरी। जॉन एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थी 15th सेंचुरी में जो सिर्फ 17 साल की थी। जॉन का जन्म 1412 में डोमरेला पसेली ईस्टर्न फ्रांस में हुआ था और जॉन की डेथ 19 साल की उम्र में हुई थी 1431 में ओवन नॉर्मेडी में जो कि एक इंग्लिश एरिया है। जॉन ऑफ आर्क को फ्रांस की नेशनल हीरोइन भी माना जाता है जिसने छोटी सी उम्र में काफ़ी स्ट्रगल की थी फ्रेंच आर्मी को लीड करने के लिए और फ्रांस को इंग्लिश के कंट्रोल से आज़ादी दिलाने के लिए और फ्रांस के सत्ता पर एक फ्रेंच किंग की सत्ता लाने के लिए। जॉन ऑफ आर्क को रोमन कैथलिक चर्च का संत भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जॉन ऑफ आर्क को हेवन वॉइसेस सुनाई देती थी यानी कि भगवान की आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने ही उसे फ्रांस को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा था। लेसन स्टार्ट करने से पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज एन आयरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक। ही रॉट मोर देन 60 प्लेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज मैन एंड सुपरमैन 1902, पेगमालियन 1912 एंड सेंट जॉन 1923। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 में हुआ था पोर्टोबेलो डबलिन आयरलैंड में और उनकी डेथ 2 नवंबर 1950 में हुई थी एट द एज ऑफ 94 अयॉट सेंट लॉरेंस हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड में। तो ये राइटर आयरिश सभ्यता से थे। आयरिश जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो आयरलैंड में ओरिजिनेट हुई थी। वो अपने समय के काफ़ी फेमस प्ले राइटर थे और काफ़ी फेमस ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं जो चीज़ों को गहराई तक एग्जामिन करते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 60 से भी ज़्यादा नाटक लिखे हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस नाटक है मैन एंड सुपरमैन जो 1902 में फेमस हुआ था, पेगमालियन जो 1912 में फेमस हुआ था और संत जॉन जो 1923 में फेमस हुआ था। वो अपने समय के मशहूर ड्रामेटिस्ट भी रह चुके हैं और उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1925 में। द वार फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज़ कम टू बी नोन एज अ 100-year वार। जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस हू लीड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वार। दिस प्ले बिगेन एट द टाइम एंड ऑल ऑफ द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट वेयर अंडर फॉरन कंट्रोल। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स एंड द बर्गंडियंस कंट्रोल द अदर। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लीन्स वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। द ईयर इज 1429। कैप्टन रॉबर्ट दी बद्रीकोर अ मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल हिज स्टीवर्ट स्टैंड फेसिंग हिम। यहाँ पर पीजेंट का मतलब है स्मॉल फार्मर, विक्ट्रीज का मतलब है सक्सेस, फॉरेन का मतलब है स्ट्रेंज या फिर अनफैमिलियर, बर्गंडियंस का मतलब है अर्ली जर्मनिक पीपल ट्राइब और ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, और स्टीवर्ट का मतलब है मैनेजर या फिर एन ऑफिशियल टू सुपरवाइज द अरेंजमेंट। फ्रांस के राजा के मौत के बाद फ्रांस का कई सारा हिस्सा इंग्लैंड ने कंट्रोल कर लिया था। इस दौरान युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो 1337 में स्टार्ट हुआ था और 1453 तक चला था। ये युद्ध बहुत लंबा चला था 100 सालों तक, इसलिए इसे 100-year वार्स भी कहा जाता है। जॉन का जन्म एक गरीब फार्मर की फैमिली में हुआ था ईस्टर्न फ्रांस में। ईस्टर्न फ्रांस एक ऐसा एरिया था जिसे अभी तक इंग्लैंड ने कॉन्कर नहीं किया था, जीता नहीं था। जॉन ने फ्रांस की 13 बैटल्स को गाइड किया था जिसमें से 9 बैटल्स में फ्रांस को जीत हासिल हुई थी।
इस प्ले की शुरुआत तब हुई थी जब फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट और साउथ ईस्ट का कुछ हिस्सा कुछ फॉरेन पीपल्स ने कंट्रोल कर लिया था। फॉरेन पीपल्स का मतलब है कि जो पीपल्स फ्रांस के ज़मीन पर जन्मे नहीं थे, जो दूसरे एरिया से बिलोंग करते थे। इंग्लिश लोगों ने कुछ पार्ट पर कंट्रोल किया था और कुछ पार्ट पर बर्गंडियंस का कंट्रोल था। ये जो बर्गंडियंस है ये जर्मन आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सिटी ऑफ न्यू ऑर्लीन्स जो फ्रांस की कुछ बची हुई सिटीज़ में से एक थी, उस पर भी इंग्लैंड अपना कब्जा कर रहा था। ईयर था 1429 का। यहाँ पर ऑर्लीन्स जो है वो एक सिटी है फ्रांस की, जो लुआर रिवर के पास आती है नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में, और ऑर्लीन्स को कैपिटल भी कहा गया है सेंटर वाल्दे लुआर रीजन का। और यहाँ पर ड्रामा की सिचुएशन बताई जा रही है कि कैप्टन रॉबर्ट दी बद्रीकोट जो फ्रांस के एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो अपने कैबिन में अपने टेबल पर बैठे हुए हैं और उनका स्टूअर्ट जो कि उनका मैनेजर है उनका सामना कर रहा है उनसे जॉन के बारे में बातचीत करते हुए। इस लेसन में हम कई सारे कैरेक्टर्स से मिलने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है रॉबर्ट दी बद्रीकोर। रॉबर्ट दी बद्रीकोर कौन है? ये कैप्टन है शाही सेना के वोक्यूलर गांव में। फ्रांस में टोटल 80 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है, जिसमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का नाम है वोक्यूलर, जहाँ के रॉबर्ट दी बद्रीकोर मिलिट्री ऑफिसर है। सेकेंड कैरेक्टर है स्टूअर्ट का, जो कि एक अगली मैन है जिसकी एज 18 से 55 के बीच की हो सकती है, जो जॉन की काबिलियत पर भरोसा करता था। तो अब यहाँ से हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है। रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स एंड डजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर, आर दे अफ्रेड ऑफ हर? यहाँ पर डजन का मतलब है सेट ऑफ 12, सर्वेंट का मतलब है डोमेस्टिक वर्कर, अफ्रेड का मतलब है फीलिंग फियर। रॉबर्ट, मैंने तुमसे कहा उस लड़की को बाहर निकालो, तुम्हारे पास 50 हथियारों वाले सिपाही है और 12 ताकतवर नौकर है जो मेरा ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, क्या वो उस लड़के से डरते हैं? हाँ स्टूअर्ट, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, बट शी पुट्स करेज इन अस, शी रियली डज नॉट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर। करेज का मतलब है ब्रेवरी, सीम का मतलब है अपीयर। स्टूअर्ट, नहीं सर, हम सब आपसे डरते हैं, पर वो लड़की हम सबको साहसी बनाती है, उस लड़की को किसी का डर नहीं है, जरा सा भी नहीं, पर शायद आप उस लड़की को डरा सकते हैं। रॉबर्ट, ग्रीमली परहैप्स, वेयर इज शी नाउ? ग्रीमली का मतलब है सीरियसली। रॉबर्ट, कहाँ है वो लड़की अभी? स्टूअर्ट, डाउन इन द कोर्ट यार्ड सर। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है एन अनरूफ एरिया डेट इज कम्प्लीटली और पार्शली एनक्लोज बाय वॉल्स और बिल्डिंग। स्टूअर्ट, वो लड़की नीचे है आंगन में सर। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप। द गर्ल एंटर, शी इज वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर। द स्क्वायर glare neither frighten her nor stops her, she speak confidently। यहाँ पर well build का मतलब है large and strong, glare का मतलब है stare in an angry way, square का मतलब है a person of high rank। Robert खिड़की पर जाते हैं। अरे ओ सैनिक, उस लड़की को ऊपर भेजो। जी उस्ताद, अभी भेजते हैं इस लड़की को ऊपर। ए लड़की जाओ, तुमको ऊपर बुलाया है सरकार ने, जाओ। पर जॉन के पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि उस वक्त वो कैसी दिखती थी। जॉन जो है वो काफ़ी वेल बिल्ड है, मतलब उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है और वो काफ़ी मजबूत है। 17-18 साल की वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल है। स्क्वायर का एक टक लगा के देखना, ना ही तो उसे डरा सकता है और ना ही रोक सकता है, वो आत्मविश्वास के साथ बोलती है। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉफिन। यहाँ पर आर्मर का मतलब है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ऑफ मेटल और लेदर वॉर्न इन बैटल्स बाय सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स, और डॉफिन का मतलब है द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, आप मुझे एक घोड़ा और एक सुरक्षा कवच और कुछ सिपाही दीजिए और मुझे डॉफिन तक भेजिए। यहाँ पर डॉफिन एक टाइटल है जो फ्रांस के राजा होने वाले वारिस को दिया जाता है, जॉन फ्यूचर फ्रेंच किंग चार्ल्स 7।
से मिलना चाहती थी ताकि वो उन्हें सक्सेसफुली फ्रांस की गद्दी पर बिठा सके। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी सो यू ब्लॉक हेड। यहाँ पर ब्लॉक हेड का मतलब है अ स्टूपिड पर्सन। रॉबर्ट, ये लड़की पागल है, क्यों तुमने मुझे ऐसा नहीं बताया, पागल आदमी। स्टुअर्ट, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। स्टुअर्ट, सर आप उसे गुस्सा मत दिलाइए, दे दीजिए उसे जो उसे चाहिए। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। मैं तुम्हें वापस अपने पिता के पास भेज दूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें कमरे में कैद करके रखे और चाबियां अपने पास रखे। John, you think you will square, but it will not happen that way. You said you will not see me, but here I am. John, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि होना रहता तो अभी तक हो जाता। मैं आपके नजरों के सामने यूं खड़ी नहीं होती जैसे कि मैं अभी आपके सामने हूँ। Robert, so you are assuming that I will give you what you want. यहाँ पर assuming का मतलब है to accept something to be true without question or proof. Robert, तो तुम ऐसा सोचती हो कि तुम्हें जो लगेगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा? John, yes, Squire continues busily. A horse will cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I don't need beautiful armor made to my measure. I can find a soldier armor that will fit me well enough. I shall not want many soldiers. The Dauphin will give me all I need to free Orleans. यहाँ पर बिजली का मतलब है वेरी एक्टिवली, फ्रैंक का मतलब है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन फ्रांस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, मेजर का मतलब है टू कैलकुलेट या फिर प्लान। जॉन बड़े ही जल्दी से कहते हुए, हाँ स्क्वायर, एक घोड़े की कीमत 16 फ्रैंक है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है पैसों का, पर मैं आपके पैसे सिपाही के सुरक्षा कवच में बचा सकती हूँ। मुझे सुंदर कवच की कोई ज़रूरत नहीं है जिसकी कीमत ज़्यादा हो या जिसे मेरे शरीर का माप लेकर बनाया गया हो। मैं खुद ढूंढ लूँगी किसी सिपाही का कवच जो मुझे फिट हो सके। मुझे ज़्यादा सिपाही नहीं चाहिए, डॉफिन मुझे खुद देंगे जो भी मुझे चाहिए ऑर्लिंग सिटी को फ्री करने के लिए। रॉबर्ट शॉक टू फ्री ऑर्लिंग्स। रॉबर्ट पूरी तरह से हैरान होकर कहते हैं, ऑर्लिंग्स को आज़ादी दिलाने के लिए। जॉन सिंपली, यस सर, थ्री मैन विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड टू कम विथ मी। जॉन बिल्कुल हाँ सर, तीन आदमी काफ़ी है आपको मेरे साथ भेजने के लिए, पॉली और जैक ने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ चलेंगे। यहाँ पर पॉली का पूरा नाम है बर्थोदे पोलोई, जो 36 ईयर ओल्ड फ्रेंच जेंटलमैन है और एक फ्रेंच नोबलमैन भी है, जो खुद स्क्वायर है यानी कि हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर है और किसी विलेज के मुखिया भी है जो रॉबर्ट के अंडर काम करते हैं। और यहाँ पर जैक निक नेम बताया गया है मिस्टर जॉन ऑफ मिथ्स का, जो कि एक फ्रेंच नोबलमैन है। रॉबर्ट यू मीन मशेर दी पोलोई, यहाँ पर मशेर का मतलब है फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर। रॉबर्ट तुम्हारा मतलब मोशेर द प्लाय? जॉन यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव मी मनी टू गिव टू द पुअर। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड डिग द आर्चर एंड देयर सर्वेंट जॉन ऑफ हॉनेकोर्ट एंड जूलियन, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर। यहाँ पर विलिंगली का मतलब है फ्रीली या फिर रेडीली और जेंटलमैन का मतलब है हॉनरेबल मैन। जॉन हाँ स्क्वायर, जैक तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वो एक काइंड जेंटलमैन है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे गरीबों को देने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जॉन गोडसे डिग द आर्चर जो बांध चलाने में एक्सपर्ट है, वो और उनके कुछ नौकर भी आने वाले हैं, जॉन ऑफ हॉनेकोर्ट और जूलियन भी आएंगे। आपको कोई मुसीबत नहीं होगी स्क्वायर, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी अपने हिसाब से, आपको सिर्फ मुझे ऑर्डर देना है। रॉबर्ट टू द स्टुअर्ट, इज दिस ट्रू अबाउट मशेर दी पोलोवी? रॉबर्ट क्या है सच है, मशेर द पोलोवी बचा रहे हैं जॉन के साथ? स्टुअर्ट ईगरली, यस सर, एंड अबाउट मशेर दी मीट्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। स्टुअर्ट उत्सुकता के साथ कहते हुए, हास के बारे में भी सच है, वो दोनों भी जाना चाहते हैं जॉन के साथ।
Robert goes to the window and shouts into the courtyard, "Send Monsieur the Pulloy to me, will you?" He turns to John, "Get out and wait in the yard." रॉबर्ट खिड़की पर जाते हैं और आंगन में देखते हुए चिल्लाते हैं। आंगन में खड़े किसी एक सैनिक से कहते हैं, सिपाहियों, क्या तुम मोसर द पलाय को ऊपर भेज सकते हो? अभी के अभी उन्हें ऊपर मेरे ऑफिस में पेश करो। बाहर जाओ और इंतजार करो आंगन में। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम राइट स्क्वायर शी गोज आउट। जॉन, बिल्कुल स्क्वायर। Robert to the steward, go with her, stay within call and keep your eye on her and I shall have her up here again. The steward retreat hastily. Berthaud de Pulloy, a French guard, enter, salutes and stand waiting. यहाँ पर retreat hastily का मतलब है moves away in a hurry. Robert steward से कहते Steward. जॉन के साथ जाओ और मेरे संपर्क में ही रहना। अपनी नजरें जॉन पे टिकाए रखना। मैं उस लड़की को दोबारा ऊपर बुलाऊंगा। जाओ। सलाम सर। रॉबर्ट, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर टू गो विथ हर, व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली? रॉबर्ट, वो कह रही है तुम जैक और डिक को मौका दिया गया है उसके साथ जाने का, पर किस लिए? हाँ, क्यों तुम उसके पागल तरकीब पर यकीन करते हो डॉपिन के पास जाने के लिए? सीरियसली? Pulloy, स्लोली, देर इज समथिंग अबाउट हर, इट्स मे बी वर्थ ट्राइंग। यहाँ पर वर्थ का मीनिंग है डिजर्व। Pulloy, उसके अंदर कोई तो बात है, वो इस लायक है, इसलिए हमें एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। रॉबर्ट, ओ कम ऑन Pulloy, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। रॉबर्ट, मेरा कहा मानो Pulloy, तुम अपनी सोच से बाहर हो रहे हो। Pulloy, अनमूव, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? द डॉल्फिन इज इन शिनॉन लाइक रैट इन द कॉर्नर, एक्सेप्ट दैट ही विल नॉट फाइट द इंग्लिश विल टेक ऑर्लीन्स, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैम। यहाँ पर शिनॉन का मतलब है वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड ड्यूरिंग द 100 ईयर वार। द डॉल्फिन टुक रेफ्यूजी इन शिनॉन। रिसाइडेड का मतलब है लिव इन, रेफ्यूजी का मतलब है टू टेक शेल्टर। Pulloy बिना वहाँ से हले अपनी बात पर अड़े हुए, इसमें गलत क्या है? डॉल्फिन शिनॉन में है एक चूहे की तरह किसी कोने में, इसके सिवा वो लड़ भी नहीं सकते। इंग्लिश पीपल ऑर्लिंस पर जल्द ही कब्जा कर लेंगे और डॉल्फिन इतने काबिल भी नहीं है कि वो उन लोगों को रोक पाए। रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मोंतार्जी, आई वॉज विथ हिम। यहाँ पर मोंतार्जी एक सिटी है फ्रांस में जो लुआ डिपार्टमेंट में आती है, नॉर्थ सेंट्रल फ्रांस में। डॉल्फिन ने इंग्लिश पीपल को हराया था पिछले के पिछले साल मोंतार्जी में, मैं तब उनके ही साथ था उस वक्त। Pulloy, but his men are cow and now he can't work miracle and I tell you that nothing can save our side now but a miracle. यहाँ पर cow का मतलब है frighten, miracle का मतलब है marvel. Pulloy, पर सर रॉबर्ट, उसके सभी आदमी अब डरपोक हो चुके हैं और डरपोक लोगों का साथ लेके हमारे डॉल्फिन ओर्लीन्स के बचाव में चमत्कार नहीं कर सकते। हम लोगों के तरफ से बचाव करने वाला भी अब कोई नहीं है, अब तो बस चमत्कार ही हमें बचा सकता है। रॉबर्ट, मिरेकल्स आर ऑल राइट Pulloy, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउ अ डे। रॉबर्ट, चमत्कार तो ठीक है Pulloy, पर एक ही दिक्कत है कि चमत्कार आजकल होते नहीं है। Pulloy, I used to think so, I'm not so sure now, there is something about her, I think the girl herself is a bit of a miracle, anyhow this is our last chance, let's see what she can do. मैं सोचता था पर मैं भी अभी श्योर नहीं हूँ, उसमें कोई तो बात है, मुझे लगता है कि ये लड़के खुद में ही एक चमत्कार है, किसी भी तरह ये हमारा आखिरी मौका है, तो देखते हैं वो क्या कर सकती है। रॉबर्ट, वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट? यहाँ पर वेवरिंग का मतलब है हेसिटेटिंग। रॉबर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करे, पर वो Pulloy से कहते हैं कि आपको सच में ऐसा लगता है? Pulloy, टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक? लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इन टू मी। यहाँ पर हैव पुट फायर इन टू मी का मतलब है हैव इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड।
पुलोई। क्या हमारे पास कोई उपाय बचा है सोचने के लिए? क्यों ना एक मौका देके देखे उस लड़की को। उस लड़की के शब्द मुझे प्रेरणा देते हैं। रॉबर्ट गिविंग अप व्यू, यू आर एज मैड एज शी इज। रॉबर्ट हार मानते हुए कहते हैं, तुम भी उतने ही पागल हो जितने की वो लड़की। प्लोई ऑब्स्टिनेटली, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, सी वेयर द सेम वन हैव लैंडेड अस। ऑब्स्टिनेटली का मतलब है इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर। हमें कुछ पागल लोगों की ही जरूरत है। तुम देखना, अगर हम सब एक जैसे होंगे ना तो हम कहाँ की कहाँ पहुँच जाएंगे। रॉबर्ट आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ यू फील श्योर। रॉबर्ट मुझे तो ये पागलपंती लग रही है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन है पॉली? पलोई आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शीनल अनलेस यू स्टॉप मी। पलोई मुझे यकीन है और मेरा विश्वास काफी है उस लड़की को शिनॉन पहुंचाने के लिए, जब तक के आप मुझे नहीं रोकते। रॉबर्ट डू यू थिंक आई ओट टू हैव अनदर टॉक विथ हर। रॉबर्ट तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे एक बार दोबारा बात करनी चाहिए उस लड़की से, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। पुलोई गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप। जॉन एंटर्स। पुलोई खिड़की पर जाते हुए, जॉन ऊपर आओ। पुलोई ग्रेवली बिसिटेड जॉन। यहाँ पर ग्रेवली का मतलब है सीरियसली। पुलोई बड़ी ही गंभीरता के साथ कहते हैं, बैठो जॉन। रॉबर्ट व्हाट इज योर नेम? रॉबर्ट तुम्हारा नाम क्या है? जॉन, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर कॉल मी द मेड। यहाँ पर मेड का मतलब है अ यंग गर्ल, वुमन या फिर अनमैरिड गर्ल। लोग मुझे हमेशा जेनी इन लॉरेन कहते हैं, पर यहाँ फ्रांस में सब मुझे जॉन कहते हैं और सोल्जर्स मुझे सेविका कहते हैं। रॉबर्ट हाउ ओल्ड आर यू? क्या उम्र है तुम्हारी? जॉन 17, सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेम्बर। जॉन मेरी उम्र 17 साल की है, ऐसा मेरे रिलेटिव्स कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 19 साल है, पता नहीं, मुझे याद नहीं। रॉबर्ट आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेसिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीटर, यू थिंक सोल्जरिंग इज एनी बड़ी जॉब। यहाँ पर रेजिंग अ सीज का मतलब है सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस। चेसिंग का मतलब है फॉलो। मेडो का मतलब है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड। रॉबर्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा सोचती हो कि किसी भी जगह को घेर लेना और फिर दुश्मन पर हमला करना, यह इतना आसान है जैसे कि किसी गाय का पीछा करना जो कि घास चरने गई है। तुमको क्या लगता है सैनिक का काम इतना आसान होता है? सैनिक का काम करना हर किसी के बस की बात है? नहीं। जॉन आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन आवर साइड। मुझे नहीं लगता ये काम इतना भी मुश्किल है अगर भगवान हमारी तरफ से हो तो। रॉबर्ट ग्रीमली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू अ डेजर्ट? हैव यू हियर नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर? यहाँ पर प्लंडरिंग का मतलब है लूटिंग, डेजर्ट का मतलब है एम्प्टी। रॉबर्ट बड़ी कठोरता से कहते, क्या तुमने इंग्लिश सिपाही को लड़ते हुए देखा है? क्या तुमने उनको कभी लूट मचाते हुए देखा है कि किस तरह वो लोगों को जिंदा जला देते हैं और एक देश को जिसमें लोग हंसते खेलते रहते हैं उसे शमशान बना देते हैं? क्या तुमने उनके शैतान राजकुमार की कहानियां नहीं सुनी और इंग्लिश किंग फादरों के बारे में क्या तुमने नहीं सुना? जॉन यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, अवर सोल्जर आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, बट आई विल टीच दैम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर दैम लाइक शीप। यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर टू सेव देयर स्किन्स का मतलब है टू सेव देयर लाइव्स और बीटन का मतलब है हैविंग बीन डिफीटेड। जॉन आप समझ नहीं रहे हैं स्क्वायर, हमारे सैनिक हमेशा हार जाते हैं क्योंकि वो लड़ते हैं अपनी खुद की जान बचाने के लिए, और सबसे छोटा रास्ता है अपनी जिंदगी बचाने का कि मैदान छोड़कर भाग जाना, पर उन्हें मैं सिखाऊंगी फ्रांस के लिए लड़ना और फिर देखना हमारे सिपाही इतने हिम्मत वाले हो जाएंगे कि वो इंग्लिश सिपाहियों को मैदान में भेड़ बकरी की तरह हाँकेंगे, उनकी हालत भेड़ बकरी जैसी कर देंगे। आप और पॉली जिंदा रहेंगे ये दिन देखने के लिए जब फ्रांस की ज़मीन पर एक भी इंग्लिश सिपाही नहीं रहेगा।
रॉबर्ट टू प्लॉय दिस मे ऑल बी नॉनसेंस पॉली बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट दो नथिंग दैट वी से सीम टू पुट एनी फायर इन टू दैम इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इन टू हिम शी कैन पुट इट इन टू एनी बडी रॉबर्ट ये सब बकवास है पॉली पर हमारे सैनिक दल को इससे प्रेरणा मिल सकती है हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज हमारे सैनिकों में उनके खोए हुए आत्मविश्वास की आग उनमें फिर से लगा सकती है पर मुझे लगता है डॉफिन भी इस लड़की पर यकीन कर लेंगे पर अगर ये लड़की डॉफिन में लड़ने की चाह जगा सकती है तो फिर यह किसी में भी लड़ने की चाह जगा सकती है रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू शिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड थ्री ऑफ हिज फ्रेंड यहाँ पर एस्कॉर्ट का मतलब है बॉडीगार्ड रॉबर्ट अभी तुम मेरी बात सुनो बीच में बोलना मत मुझे जो बोलना है वो मुझे सोचने दो और इससे पहले कि मैं मेरा फैसला बदलूं मेरा ऑर्डर है कि तुम अभी के अभी शिनॉन के लिए रवाना हो जाओ तुम्हारे साथ गार्ड भी जाएंगे पॉली और तुम्हारे तीन दोस्त भी पॉली जैक और डिक समझी जॉन रेडियंट क्लास्पिंग हर हैंड्स ओ थैंक यू स्क्वायर यहाँ पर रेडियंट का मतलब है शाइनिंग क्लास्पिंग का मतलब है ग्रास्प टाइटली जॉन ये सुनते ही जॉन के चेहरे पर चमक आ जाती है जॉन ने अपने हाथों की पकड़ बनाए रखी है जो बताती है कि जॉन बहुत एक्साइटेड हो रही है और फिर जॉन रॉबर्ट को कहती है ओ शुक्रिया स्क्वायर प्लॉय हाउ इज शी टू गेट इनटू द रॉयल प्रेजेंस प्लॉय पर जॉन को शाही उपस्थिति में कैसे ले जाया जाए Robert, I don't know how did she get into my presence. I will send her to Shinon and she can say I sent her. Then let come what may, I can do no more. यहाँ पर let come what may का मतलब है let anything happen. मैं कुछ नहीं जानता. वो मेरे यहाँ, मेरे उपस्थिति में कैसे आई? वैसे ही वो शाही उपस्थिति में भी चली जाएगी. मैं उस लड़की को Shinon भेज रहा हूँ और वो वहाँ पर मेरा नाम बता सकती है कि मैंने उसे वहाँ भेजा है. फिर नतीजा भले ही कुछ भी हो इससे ज्यादा मैं और कोई मदद नहीं कर सकता जॉन एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर ड्रेस स्क्वायर जॉन कपड़ों का कैसे होगा स्क्वायर रॉबर्ट टेक व्हाट यू प्लीज आई वॉश माय हैंड्स ऑफ इट वॉश वंस हैंड्स ऑफ इट का मतलब है नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट उसकी चिंता तुम मत करो मेरे पास सिपाहियों के सारे कपड़े हैं तुम्हें जो चाहिए उसमें से वो तुम खुद चुन चुन कर ले सकती हो यहाँ मेरा काम खत्म होता है मैं अब इससे आगे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं ले सकता और मैं अपने हाथ इस काम से निकालता हूँ जॉन वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस कम पॉली शी डैशेज आउट यहाँ पर डैशेज आउट का मतलब है टू लीव प्लेस इन हरी टू गेट समथिंग Robert, shaking Polly's hand, goodbye, old man. I'm taking big chance. Few other man would have done it, but as you say, there is something about her. अलविदा बुड्ढे आदमी, मैंने बहुत बड़ा चांस लिया है लेकिन ऐसा कुछ ही लोग कर सकते हैं पर जैसा तुम लोग कहते हो कि उस लड़की में कोई ना कोई बात तो है जरूर उस लड़की में कोई ना कोई बात तो है ही Polly, yes, there is something about her. Goodbye, Polly. हाँ, जॉन में जरूर कोई बात तो है अलविदा और यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है